क्रिकेट में सबसे बढ़िया खिलाड़ी वो होता है जो ऑलराउंडर होता है, उसे बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और ऐसे ही जब आप ऑटोमोटिव सेगमेंट में आते हैं, वहाँ पर जब मोटरसाइकिलों की बात की जाती है, तो उन्हें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जो सर्वगुण संपन्न होती हैं। और मेरे साथ इस समय खड़ी है BMW की G310 GS। आपको बताने वाला हूँ, जब आपका बजट लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च करने का हो, एक शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड कुछ और हो जाएगा, तो ये मोटरसाइकिल आपके कितने काम की है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर चारों तरफ जो भी आप देखेंगे, नीचे देखेंगे तो खाई है, आगे देखेंगे बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल यहाँ तक पहुँची है, चल के पहुँची है। तो अब मैं इसका कैरेक्टर बताने वाला हूँ आपको, कि इस मोटरसाइकिल में आपको क्या वो चीज़ें मिलती हैं जिससे आप एडवेंचर भी कर सकें, सिटी में भी चला सकें और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। Pero ojalá se te escape mi nombre. Cuando lo hagas, baby, no te asombre. Yeah. Los dos sabemos que no me mereces. Yeah. Lo sé. Woo. Yo perdí mi tiempo. Yeah. Y tú, alguien que te amaba. Es que eso no lo entiendo. Yeah. Si es que Buda me besaba, no sé qué imaginar. तो इसके पहले कि इसके परफॉर्मेंस की चर्चा करें, क्योंकि परफॉर्मेंस की चर्चा कर सकते हैं, दिल्ली से शुरू किया था, मसूरी तक पहुंचे हैं, 300 किलोमीटर चलाया है। आइए ले लेते हैं एक इसका क्विक वॉक अराउंड और जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आपको बढ़िया एक इसमें LED हेडलैम्प मिल जाता है, इस पर BMW LED आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुत अच्छी रोशनी देता है और मैंने रात में चलाया है तो मैं बता सकता हूँ। और ये उड़ता हुआ जो अंदाज़ आप देख रहे हैं ना, तो ये माउंटेन को चुनौती दे रहा है। जो सामने आप माउंटेन देख रहे हैं ना, तो इनको चुनौती देके बोलता है कि भैया मैं इसके भी काबिल हूँ कि सारे एडवेंचर करते हुए आप तक पहुँच सकती हूँ। तो आपको एक बढ़िया ग्राफिक के अंदाज में बड़ी सी फेयरिंग आपको यहाँ तक आती हुई मिलेगी, हम लोग इसे मडगार्ड बोलते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक ही मिल जाता है, जिससे नीचे वाला जो कीचड़ वगैरह हो ऊपर ना जाए। और जब ये टायर देख रहे हैं ना, ये ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के ही काबिल हैं, इसका जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस में क्यों काबिल हैं। ड्यूअल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल है, सामने भी आपको डिस्क मिलता है और ये बड़ा अप साइड डाउन फोर्क्स इसमें दिए गए हैं। और ये जो गोल्डन कलर दिख रहा है, दूर से चमक जाता है तो लोग इसको प्रीमियम समझ के ऐसे देखने चले आते हैं। और ये इसमें जो टायर मिल रहा है 110/80/19 का मिल जाता है और बहुत अच्छे से अपना काम करता है, इसका भी जिक्र परफॉर्मेंस में किया जाएगा। और ये वाटर कूल्ड मोटरसाइकिल है, कंपनी बोलती है, जिसे आप लिक्विड कूल जानते हैं। और यहाँ देखिए बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है, तो कार के भांति इसमें आपको सब कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। और इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दे दिया गया है, जिससे धूल मिट्टी इंजन में ना जाए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये BMW है जिसकी वजह से लोग इसे खरीदते हैं, बहुत सारी मोटरसाइकिलों को छोड़ देते हैं। ड्यूक 390 मिल जाती है, हिमालयन भी जब आप देखते हैं तो कीमत में उनसे ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा व्यवहारिक भी बनती है। तो यहाँ पर आपको BMW का लोगो मिल जाएगा और एक ये सामने से फेयरिंग जाती हुई दिख जाती है। 12 लीटर का इसमें आपको टैंक मिल जाता है। और यहाँ पर भी टैंक की तरफ आएंगे और जब बैठेंगे तो राइडिंग पोस्चर कैसा रहता है मैं बैठ के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मुझे बैठना है तो मुझे अपना पैर से पकड़ना पड़ रहा है। तो ये कंपनी तो बोलती है कि भैया बहुत सारे राइडर्स जिनकी हाइट 5'7" 5'8" है, 6+ है, उनके लिए परफेक्ट है, और सच में परफेक्ट है। लेकिन आपको एक भारीपन इसमें महसूस होता है, ये भी आपको बताता चलूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि जब इस मोटरसाइकिल को आप खरीदेंगे तो वजन का जब आप सोचेंगे तो 170 kg इसका वजन है, लेकिन ये उससे ज़्यादा हैवी लगती है जब आप चला रहे होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं काम के हैं, कैसे आइए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन कौन सी जानकारी मिलती है, कार के जैसे सब कुछ मिल जाएगा, फ्यूल कितना है पता चल जाएगा, किस RPM पर चल रही है यहाँ पता चल जाएगा। और जब आप इसे दबाएंगे तो देखिए पूरा का पूरा इस पर आपको ट्रिप मिल जाएगा, जैसे मैंने 298 किलोमीटर भी ट्रिप 2 में किया हुआ है तो यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर दिख जाएगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो 149 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, तो ये सब आपको गाड़ियों में देखने को मिलता है। और ये रहा यहाँ पर, मतलब 100 किलोमीटर 3 लीटर पेट्रोल में ये जा सकती है। माइलेज टेस्ट किया है उसको ज़रूर देख के जाना, आई बटन पर दे दूंगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाती है, तो बहुत ही काम का है। ABS है कि जैसे बोला कि ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। और इसको और सक्षम बनाने के लिए कंपनी ने इसे स्विच ऑफ करने की भी सुविधा दे रखी है, तो उसे आप बंद करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको BMW का एक लोगो मिल जाता है। और ये रही इसकी चाबी, अतरंगी चाबी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, लगा दीजिए, आवाज़ बाद में सुनाएंगे। और यहाँ पर आपको जो हैंडल मिलता है, तो ये आपको व्यवहारिक हैंडल मिलता है, तो ये नहीं कि इस पर क्लिप ऑन हैंडल बार देने की कंपनी ने कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसमें आपको फीचर ऐसे नहीं दिए गए हैं जो आपको बहुत मुश्किल हो यूज़ करना, तो आपको जैसे बाइक में मिलते हैं आपको ऊपर करने के लिए लाइट, ये सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर हॉर्न, इंजन किल स्विच बटन दे दिया गया है। और ये नॉर्मल वाले ORBM मिल जाते हैं, तो एक व्यवहारिक मोटरसाइकिल के तौर पर इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये इसके
टर्न इंडिकेटर दे दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ फीचर कंपनी दे सकती थी जो उसने दिया नहीं है, कैसे जलते हैं देख लीजिए। तो इस तरीके का जलेगा, क्या किया है, आज हजार्ड के तौर पे भी बहुत सारी मोटरसाइकिलों में काम करते हैं लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। अब मैं आपको पीछे के साइड में लेकर चलता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ सीट। तो ये जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं चला रहा हूँ तो मैं अपने लिहाज से बता सकता हूँ, लेकिन पिलियन बैठेगा कितना कंफर्टेबल रहेगा वो मुझे पिलियन से पूछना पड़ेगा। इस पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। एसेसरीज के तौर पर बहुत कुछ आपको मिल जाता है और उसके लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे आपको, अगर आप चाहते हैं कि भैया इसमें बहुत सारा सामान रख के चलें, क्योंकि बहुत ही हैवी लगती है मोटरसाइकिल। साथ ही जब इस साइड में आप देखेंगे तो ये पिलियन फुटपैग है, मुझे पक्का पता है पिलियन जो है पहली मंजिल पर बैठने वाला इस पर बैठेगा। और इस साइड में देख सकते हैं सारी गार्ड वगैरह शायद यहाँ पर लगा था जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, अभी हटाया हुआ है। बाइक गंदी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तो साफ इसे नहीं रख सकते, दो तीन बार धुलवा भी चुके हैं। पीछे आप देखेंगे तो ये आपको जो LED टेल लैंप मिलता है, इसको भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये आपको लगने वाला है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छे से अपना काम करता है। यहाँ नंबर प्लेट मिल जाएगा। और जब आप इस साइड में आएंगे, अब मैं मोटरसाइकिल के इस साइड में आपको लिए चलता हूँ, इस साइड में आपको जो एग्जॉस्ट मिल रहा है बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अभी इसमें गंदा हुआ पड़ा है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब चमक रही होती है मोटरसाइकिल। और जो इसमें इंजन लगाया गया है, पहले बताया था मैंने आपको, ये लिक्विड कूल्ड है और 312 cc का है। ये देता है 34 HP की शक्ति और 28 Nm का टॉर्क, बहुत ही फाइन इंजन है। और इसका जो इसकी जो बड़ी बहन या बड़ा भाई जो भी बोले, जो GS से प्रेरित है, तो इसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको मोटरसाइकिल खरीदना क्यों चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा और साथ में आपको नॉर्मल, मतलब जो आप ब्रेक लगाते हैं, देखिए बहुत अच्छे से दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि सारी मोटरसाइकिलों में ऐसा देना चाहिए, इस पर ज़्यादा कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं लगता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है और अच्छे से अपना काम करता है, क्योंकि मैं चला रहा हूँ उस लिहाज से मैं बता सकता हूँ। तो ये दिखती बड़ी है, लगती लंबी है, लेकिन जब आप चलाते हैं तो किसी भी राइडर के लिए परफेक्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह के राइडर हैं, लेकिन अगर आप अभी चलाना शुरू कर रहे हैं मोटरसाइकिल तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसे खरीदने के लिए। और जब ऐसे खूबसूरत जगह पर हों जहाँ पर बादल आए चले जाएँ, तो वहाँ पर और इसके बारे में अच्छा बोलना बनता है। तो मैं इस पर सामान भी लाद के लेके आया हूँ। पीछे टायर की बात करें तो बता दूं इसमें 150/70 R17 के टायर दिए गए हैं, ग्रिप बहुत अच्छे से करते हैं। ये देख लीजिए जिस तरीके की इसकी बनावट है ना, अमूमन मोटरसाइकिलों में देखा होगा कि बनावट अलग अलग तरह से दी जाती है, लेकिन जिसकी बनावट है तो ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर ये परफेक्ट काम करते हैं। मैंने बेस्ट कंडीशन में राइड किया है उसके लिहाज से बता सकता हूँ, लेकिन इसका भी जिक्र करेंगे अपने परफॉर्मेंस में। तो ये थी मोटरसाइकिल, ये GS 310 इसे बोलते हैं, G310 GS बोलते हैं। तो BMW की ये ऐसी पेशकश है जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हर कंडीशन में से यूज कर सकें, और सच में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। आपको बताता चलूं, जब आप इसे लेकर निकलेंगे सड़क पर तो हर कोई आपकी तरफ देख रहा होता है ये सोच के कि एक ये कोई बहुत बड़ी मोटरसाइकिल, लेकिन सच में जब आप इस पर बैठेंगे तो एक व्यवहारिक मोटरसाइकिल पर आप बैठकर चल रहे होते हैं जो बढ़िया माइलेज भी देती है। इसका जिक्र करेंगे कंक्लूजन में, जब हम इस वीडियो का एंड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बता दी, आपने देख ली, इसके बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके परफॉर्मेंस की चर्चा करना बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस और जिक्र करते हैं चला के उस हर कंडीशन में जिसका जिक्र मैंने किया, जिसका जिक्र BMW करती है, जिसका जिक्र दुनिया करती है, और सबसे ज्यादा बिकने वाली BMW की ये मोटरसाइकिल है। तो अब जानते हैं इस GS में चलाने में क्या कुछ आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को GS की आवाज पसंद नहीं आती, फिर भी इन पहाड़ों में गूंज तो बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी आवाज कैसी है। और आइडल पे कुछ इस तरीके की आवाज आने वाली है। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस GS को, और आपको बताता हूँ कि चलाने में कैसी है। शुरुआत कर रहा हूँ बेट रोड से, और ये रोड आप देख सकते हैं कि कितना स्लिपरी दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इस मोटरसाइकिल पर बैठकर आगे निकल रहे होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ाती है, और आपको लगेगा इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए कि ये अपना ग्रिप खुद बना लेती है। तो यहाँ पर डर नहीं रहता है बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लगभग 1000 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को चलाया है मैंने वापस करने से पहले, और इस रोड पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मैंने कई जगह पर ओवरटेक भी किया, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आया। और ये रोड जब आपको टूटी फूटी मिल जाएगी तो किस तरीके से आप आराम से यहाँ से निकलेंगे, तो इसका एक नमूना यहाँ पर पेश है। आप देख सकते हैं फुटपाथ पर खड़े हो जाइए मन करता है, नहीं भी खड़े होंगे तो बाइक बहुत ऊँची है, बैलेंस बना लेती है और आपको अच्छा लगने वाला है।
34 HP की शक्ति देती है और परफेक्ट रहता है इस मोटरसाइकिल के लिए। इसमें बहुत ही इजी बनाया गया है, नहीं कि आपको कुछ स्विच करना है, ट्रैक्शन कंट्रोल भरना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल चलाते चले जाइए, अपने हिसाब से मैनेज करते रहिए। हालांकि इसमें कुछ रैटलिंग साउंड आता है, वो कहाँ से आता है? जो नंबर प्लेट आगे लगा हुआ है वो कन 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 बजता रहता है। मुझे लगता है वो तो ऐसी चीज़ है जिसे आप दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरटेकिंग का कॉन्फिडेंस लाजवाब है और मैंने इस मोटरसाइकिल से जब ओवरटेक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये उड़ते हुए मुझे सबसे आगे निकाल दिया, खास करके एक ऐसे रास्ते पर जिसे आप बोलते ना पहाड़ी नुमा जंगल नुमा रास्ता, और ये देहरादून का वही जंगल है जो देहरादून सिटी में जाने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ता है। और जब आप एक खुले हाईवे पर होंगे और मन करेगा कि एक पराठा भरें इससे, तो आपको जो अनुशासित लिमिट है उसके आगे ये खड़ा कर देती है, क्योंकि आपका मन करता है कि भैया इसे बहुत सारा परफॉर्मेंस निकाला जाए। बहुत ही मज़ेदार मोटरसाइकिल है और इसका जो सेटअप है इस तरीके से बनाया गया है कि आपको अच्छा लगता है। 130 तक तो यूं ही चली जाती है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा था इसे लेके ना जाऊं, लेकिन थोड़ी देर बाद चलाते चलाते अपने आप ही बाइक वहां तक पहुंच जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से इसका कॉन्फिडेंस इसमें दिख रहा है 100+ की रफ्तारें भर रही, तो मुझे लग रहा है कि ये आराम से वहां तक पहुंच जाएगी। और इस पर थ्रोटल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, ये नहीं कि आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है जैसे कुछ मोटरसाइकिलों में होता है कि भैया ऐसा लगता है कि अपने शरीर की कुछ एनर्जी उसमें चली जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इसे चलाते चले जाइए, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ाती चले जाएगी। और आपको अगर एक खूबसूरत ऐसा खुला हुआ हाईवे मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस GS को चलाकर, जो कि मैंने इसके साथ में जिया है। और मन ही नहीं करता कि भाई आपको कितना फ्यूल मिलेगा, और देखिए मैं कहाँ तक पहुँचा, मैं नाम बताऊँगा नहीं कि मैं कहाँ तक पहुँचा, लेकिन आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी लगती है जब इसे चला रहे होते हैं। और जब रात में इसके लाइट की अगर बात करेंगे, क्योंकि नाइट कंडीशन भी मैंने चलाया, सारे कंडीशन जिए हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और रात का वातावरण, तो आप देख सकते हैं कितनी सही लाइटिंग मुझे मिल रही है। तो इसे मुझे अच्छा लगा यहाँ पर चला के कि रात में अगर मैं ऐसी मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ तो मुझे कोई विजिबिलिटी बाधित नहीं होती है, और जब आप ट्रैफिक से निकलेंगे तो वहाँ पर इस तरीके का रास्ता आएगा और वहाँ पर एक आर्ट नुमा क्रिएट करती रहती है आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार था। तो ये था मेरा राइड एक्सपीरियंस, लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस बोलेंगे, BMW G310 GS के साथ। तो ये दिल्ली में भी चला, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाया मैंने इसे, और मेरठ एक्सप्रेसवे से मेरठ तक सॉलिड फर्राटा भी भरा, 130+ स्पीड भी की मैंने, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। और इसके अलावा जब मैं पहाड़ों पे आया तो यहाँ पर जो सरपा नुमा रास्ते होते हैं ना उससे मैं अच्छे से निकला, और यहाँ पर जो टूटे फूटे रास्ते होते थे उसके सहारे मैं इस ऊंचे से पीक पर बैठा हूँ पहाड़ी पर, कोई और बाइक नहीं आ सकती है। तो दोस्तों इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कैपेबल मोटरसाइकिल है जब चलाने की बात करते हैं। माइलेज का जिक्र करें तो लगभग 28-29 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मुझे इस राइड में मिला है। तो मैं पक्का बता दूं, अगर आप शहर में चलाएंगे, नॉर्मल चलाएंगे, 70-80-90 की स्पीड तक चलाएंगे, तो आपको माइलेज 30+ भी मिलने वाला है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं उन्हें 35 का माइलेज भी मिलता है। तो मेरा ये राइड एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही एडवेंचरस रहा, और मुझे बहुत मज़ा आया ये मोटरसाइकिल चलाकर। मेरी हाइट 6+ है और मैं एक हैप्पी राइडर हूँ इस BMW G310 GS का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ, मैं ऐसे लोकेशन पर आता रहता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा अगर आप पसंद करते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। Que tan falsa te siento.